जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजनास क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लेमिंगो से लेसन वन, द लास्ट लेसन। पिछले दो सेशन में हमने लास्ट लेसन की स्टोरी को पढ़ा था, लेसन को पढ़ा था और जाना था फ्रेंड्स और उसके टीचर के बारे में। स्टूडेंट्स, अब जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो हम अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इसके साथ हम नोटिस राइटिंग सीखेंगे कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है और कैसे एक पैराग्राफ को डेवलप किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर वन, द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है कि फ्रेंड्स को उस स्कूल में, फ्रेंड्स से क्या आशा की गई थी, को स्कूल में वह किस प्रकार से तैयार होके आएगा या क्या याद करके आएगा। आंसर इज दैट डे फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हैमल हैड सेड that he would question them on participles. Friends did not know anything about participles. उस दिन friends को बताया गया था कि उसको participles तैयार करके आना है क्योंकि Mr. Hamel participles पे कुछ question करने वाले थे और friends को participles के बारे में कुछ भी पता नहीं था। Question number टू, what did friends notice that was unusual about the school that day? फ्रेंड्स को उस दिन स्कूल में कुछ अलग क्यों लगा। एंड द आंसर इज यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल यानी शोर, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बट इट वाज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल was under M. Hamel's arm. उस दिन आम दिनों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, स्कूल बिल्कुल शांत था, कोई डेस्क की आवाज़ भी नहीं थी, ना ही मिस्टर हैमल अपने हाथ में रूलर लेकर टेबल पर बार बार प्रहार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया। एंड द आंसर इज फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल the bad news had come from the bulletin board. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans had put up this notice on the bulletin board. पिछले दो सालों से बहुत खराब खराब खबरें बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी और उस समय बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये जर्मन्स ने यह नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जब उस दिन स्कूल में बर्लिन से ऑर्डर आया तो स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ। मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मिस्टर हैमल ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी, बहुत सुंदर हरे रंग का कोट पहना और जिस पर कि फ्रिल शर्ट थी, जिस झालरदार शर्ट थी और काले रंग की सिल्क की कैप, सभी पर कढ़ाई की हुई थी। द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, पूरा स्कूल इतना अजनबी और इतना शांत था। ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the elderly village people were sitting quietly like kids. और जो पिछली सीटें हमेशा खाली रहती थी, आज उसमें गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे बच्चों की तरह। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। किस तरह से फ्रेंड्स की जो भावना थी एम हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति, वो बदल गई। Answer is, friends came to know that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them. Friends को जब ये पता चला कि ये आज French भाषा का आखिरी lesson है जो कि M. Hamel पढ़ाने वाले हैं,
फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से उन्हें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तब उसको दुख हुआ कि उसने पहले अपने लेसन्स को क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा। हिज बुक्स विच सीम्ड अ न्यूसेंस एंड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल ऑल्सो चेंज, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जो किताबें उसको पहले बोरिंग लगती थी, अब वो उसे लगने लगा कि वो उसकी मित्र हैं और उसकी हैमिल के प्रति भी भावना बदल गई। स्टूडेंट्स, देयर आर सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस एंड व्हाई डज दिस हैपन? लोगों को अचानक से इस कहानी में ये महसूस होता है कि उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। ये आपको कैसे पता चलता है और ऐसा क्यों होता है? एंड द आंसर इज एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट हैंसफोर्थ ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन। दोज हु कॉल देमसेल्व्स फ्रेंचमैन वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। He praised French as the most beautiful and the clearest and most logical language in the world. He said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. Then the people realized how precious their language was to them. This shows people's love for their own culture, traditions and country. Pride in one's language reflects pride in the motherland. Student, jab last lesson एम हैमिल देते हैं तो वो बताते हैं कि अब आने वाले दिन से एल्सिक और लॉरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और जो लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, फ्रांसीसी कहते हैं, अब वो ना तो फ्रेंच भाषा बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। एम हैमिल फ्रेंच भाषा की तारीफ भी करते हैं कि ये बहुत खूबसूरत, साफ और तार्किक भाषा है और वो ये कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा को जानता है और बोलता है वो उसको बंधन से मुक्त कराती है। ये बताता है, इससे लोगों को ये महसूस होता है या लोगों को महसूस हुआ कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। What could this mean? फ्रेंच सोचता है कि क्या वो जर्मन भाषा में कबूतरों को गाना सिखा देंगे? इसका क्या आशय है? उनको, यानी फ्रेंच, ये उनको शब्द का इस्तेमाल वो जर्मन सोल्जर्स के लिए कर रहा है। And the answer is, this comment of French shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German, the language of the conquerors. Being deprived of learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempts of linguistic chauvinism. ये जो फ्रेंच ये बात कहता है वो यह दर्शा रहा है कि फ्रांसीसी लोगों का उन पर जैसे जर्मन भाषा थोपी गई थी तो उनकी ये प्रतिक्रिया को दर्शाता है। और जर्मन भाषा यहाँ पर जो विजेता शासक थे उनकी भाषा थी और फ्रांसीसी लोगों को अपनी मातृभाषा को सीखने से वंचित किया जा रहा था। इसका आशय यह था कि उनका संबंध मातृभूमि से अलग किया जा रहा था और जर्मन भाषा में कबूतरों को गाना सिखाना यह बताता है कि जर्मन लोग भाषा के मामले में कितना आधिपत्य जमाना चाहते थे। स्टूडेंट, दिस इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट इंग्लिश इज़ अ बोरोड लैंग्वेज। ये बहुत समय से कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा उधार की भाषा है, उसमें बहुत सारी भाषाओं से शब्द आए हैं और वो अंग्रेजी में इंग्लिश में समा गए। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस लेसन भी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो कि अलग अलग लैंग्वेज से आए हैं। So our question is, English is a language that contains words from many other languages.
This inclusiveness is one of the reasons it is now a world language. अंग्रेजी भाषा में जो कि अलग अलग भाषाओं से शब्द आते हैं, इससे ये विश्व की भाषा बन गई है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक वर्ड है पिटाइट, ये फ्रेंच वर्ड है। किंडरगार्टन ये जर्मन वर्ड है। कैपिटल लैटिन वर्ड है। डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है। बाजार हिंदी से लिया गया है। अब ऐसे और भी कोई बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और उनको आपको पहचानना है। फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं, इनके ओरिजिन्स, इनका जो मूल स्थान है, ये कहाँ से आए हैं, इनको आपको पहचानना है। और इसमें आंसर है, पहला वर्ड है टाइकून। टाइकून एक जापनीज वर्ड है। वैरेंडा पुर्तगीज वर्ड है। ट्यूलिप पर्शियन है। रोबोट चेक वर्ड है। लोगो ग्रीक है। जीरो अरबिक है। बैंडिकूट तेलुगु है। स्की नॉर्वेजियन है। बारबेक्यू स्पैनिश। ट्रेक साउथ अफ्रीकन डच। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं, हम आजकल जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ इन आर राइटिंग, तो ये वर्ड्स अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम MCQs. क्वेश्चन नंबर टू, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज एंड टेक द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। हमको ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं और पहला जो फ्रेज दी गई है उसको कितने अच्छे तरीके से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है, ये हमको पॉइंट आउट करना है। तो हमारी पहली फ्रेज है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एंड द ऑप्शंस आर लाउड एंड क्लियर। नंबर टू, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। नंबर थ्री, प्लेजेंट एंड वेलकम। एंड द आंसर इज नंबर टू, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इट इज एज इफ दे हैव द की टू प्रिजन एज लॉन्ग एज दे। नंबर वन, डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज। नंबर टू, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज। नंबर थ्री, क्विक लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज। जब तक लोगों के पास में अपनी भाषा होती है, उनके पास जेल से मुक्त होने की चाबी होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो इसका आशय क्या है? एंड द आंसर इज आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज। वो अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू विल गेट टू योर स्कूल, यहाँ पर यू विल गेट टू योर स्कूल का मीनिंग क्या है? नंबर वन, वेरी लेट। नंबर टू, टू अर्ली। नंबर थ्री, अर्ली एनफ। एंड द आंसर इज अर्ली एनफ, यानी आपके पास पर्याप्त समय है, आप समय से पहुँच जाएंगे। वन मोर फ्रेज, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आई एम हैमिल। मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है? वन, एम हैमिल हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर। नंबर टू, एम हैमिल सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। नंबर थ्री, एम हैमिल स्टूड ऑन द चेयर। एंड द आंसर इज सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, एम हैमिल उनको अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में पढ़ा तो हमें ये समझ में आया कि इसमें हमेशा पास्ट में घटने वाली घटनाओं के बारे में बात की गई और पार्टिसिपल्स का उल्लेख किया गया। तो हम जान लेते हैं पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। जनरली दीज आर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। एम हैमिल ने ये कहा, हैड सेड, हैड यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हैड सेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट।
M. Hamel had said that he would question us on participle. M. Hamel कह चुके थे कि वो participles पे प्रश्न करेंगे. In the sentence above, the verb form had said in the first part is used to indicate an earlier past. Students, past indefinite में जो immediate past होता है, जो अभी भी घटा होता है, उसको हम कहते हैं immediate past, और उसके लिए हम past indefinite का प्रयोग करते हैं. और जो earlier past, जो बहुत पहले घट चुका हो और उसी past में वो खत्म हो चुका हो, तो उसको हम कहते हैं past perfect. The whole story is narrated in the past. और जो पूरी कहानी है ये past tense में लिखी गई है. I'm Hamel saying happened earlier than the events in the story. और Hamel ने जो कहा है ये और भी पहले घट चुका है. This form of the verb is called the past perfect. जो बहुत पहले past tense में और पहले घट चुका हो, that is called the past perfect. अब हमको क्या करना है, वी हैव टू पिक आउट 5 सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी विद दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड से व्हाई दिस फॉर्म हैज बीन यूज्ड. अब हमको इस स्टोरी से 5 सेंटेंसेस को पिक करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के. स्टूडेंट्स, नंबर 1 सेंटेंस इज, फॉर द लास्ट 2 इयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. हैड कम, रीजन, द कमिंग ऑफ बैड न्यूज हैपेंड अर्लियर देन द बुलेटिन इन द स्टोरी. जब बुलेटिन बोर्ड की बात की गई, उसके पहले भी जो बुरी खबरें थी वो हमारे पास आ रही थी, तो इसके ये अर्लियर पास था हमारा, और भी पहले का पास था, इसलिए हमने यहाँ पे पास परफेक्ट का प्रयोग किया. हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. हॉसर अपने साथ में एक पुराना प्राइमर लेकर आ चुके थे. रीजन, द इवेंट ऑफ ब्रिंगिंग हैपेंड अर्लियर देन फ्रेंड्स नोटिस्ड इट. फ्रेंड्स ने जब ध्यान दिया, उससे पहले ही वो किताब वहां पर आ चुकी थी. नंबर 3, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. टाउन हॉल में उन्होंने ये वही था जो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था. द पुटिंग अप ऑफ बुलेटिन हैपेंड अर्लियर. बुलेटिन पर लिखने का काम पहले हो चुका था. Now it is recalled. अब इसको याद किया जा रहा है. Number 4, they had not gone to school more. अब ये गांव के पुराने लोगों की बात की जा रही है कि वो पहले स्कूल नहीं गए थे. The action of not going happened much earlier. उनके स्कूल नहीं जाने की घटना बहुत पहले घटी थी. The hope vine that he had planted himself twin about the windows to the roof. Planting of hop vine happened earlier than its twinning about the windows. Windows पर उस बेल का चढ़ना और उसके काटने का काम से पहले उस बेल को लगाया जा चुका था. यानी वो earlier past में हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर past perfect tense का प्रयोग किया. Students, here is a question about a notice. You have to write a notice for your school bulletin board. Your notice could be an announcement of a forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed. आपको एक नोटिस बनाना है अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए, जो कि एक आने वाली कोई कार्यक्रम है उसकी घोषणा हो सकती है. स्टूडेंट्स, जब भी हम नोटिस बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है. हमें सबसे ऊपर टॉप में हमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना चाहिए, उसके ठीक नीचे नोटिस, और उसे आप ब्लॉक में लिखेंगे, ब्लॉक में बंद करेंगे. टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड वी हैव टू मेंशन द डेट. और नोटिस के ठीक नीचे हम टॉपिक लिखेंगे नोटिस का. इसके बाद हम थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस में हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, वेन्यू बताएंगे. इसके अलावा हम कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको भी मेंशन करेंगे. और लेफ्ट में सबसे नीचे जो नोटिस इशू करने वाला व्यक्ति है उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम होगा और डेजिग्नेशन होगा. नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये एक नोटिस बनाने का तरीका सीखा. सबसे ऊपर लिखेंगे स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिसरौद भोपाल, और इसके ठीक नीचे हमने लिखा है नोटिस. लेफ्ट साइड में वी हैव टू मेंशन द डेट,
जुलाई 25-2021। स्टूडेंट कई बार हम 25 स्लैश ऑफ देन 7 स्लैश और देन 2021 लिखते हैं। स्टूडेंट इसको इस तरह से हमको नहीं लिखना है, ये जो तरीका बताया गया है इसी तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द नोटेड कैरियर काउंसलर मिस्टर जी एस सिंह विल डिलीवर अ टॉक ऑन अपॉर्चुनिटीज आफ्टर SSC एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। इसे हमने प्रेजेंट पैसिव में लिखा हुआ है, लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है। आप ये ध्यान रखिए नोटिसेस में कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी IVU का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। देन वी हैव टू मेंशन द डेट टाइम वेन्यू। स्टूडेंट ये आप ध्यान रखेंगे कि इधर जो सबसे ऊपर डेट है ये नोटिस इशू करने की डेट है और ये जो डेट दी गई है बीच में ये कब वो कार्यक्रम होगा उसकी डेट दी गई है। इसके अलावा और कोई हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स केवल स्टूडेंट 11वीं और 12वीं क्लास के आएंगे और स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये भी हमने मेंशन कर दिया है। और इसके साथ वेन्यू कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा उस स्थल का नाम भी हम लिख देंगे लेफ्ट साइड। और इसमें एक और नोट दिया है नो एंट्री आफ्टर 11 AM। अब चूंकि स्कूल का कार्यक्रम है तो डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो इसमें बताया गया है कि नो एंट्री आफ्टर 11 AM। तो इस तरह से जो ये नोटिस दिया गया है ये लिखा गया है, इससे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और नोटिस इशू करने वाले हैं आशा वोरा, ये उनके सिग्नेचर हैं और ये है स्कूल कैप्टन। ये सब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो ये जो सामने बनकर आएगा ये एक नोटिस है, आप इसको चाहें तो ब्लॉक के अंदर भी बंद कर सकते हैं, यानी चारों तरफ एक ब्लॉक बनाकर इसको बंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सीखा कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट्स दीज आर सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड? And the answer is, friends was afraid of being scolded that day, especially because M. Hamel, the teacher, had said that he would question them on participle. Friends frankly admits that he was totally ignorant about the topic. His exact words are, I did not know the first word about them. Secondly, he had started for school very late that morning. Question number 2, it was all much more tempting than the rule for participles. What did friends find much more tempting? How did he finally react? And the answer is, friends found that it was a very warm and bright day. The birds were chirping at the edge of woods and the Prussian soldiers were drilling in the open field at the back of sawmill. He could gladly spend life out of doors. However, he had the strength to resist the temptation. Finally, he hurried off to school. Question number 3, what can be the matter now, says friends. Why do you think did he make this comment? There was a bulletin board. Answer is, there was a bulletin board near the town hall. When friends passed by, he noticed a crowd there. He did not stop to look at it. He wondered what could be the matter then. For the last 2 years, they had received all the bad news from the bulletin board, the lost battle, conscriptions, and the orders of commanding officer. Students, question number 4. What 3 things in school surprised friends most that day? कौन सी ऐसी 3 चीजें थी जिससे फ्रेंड्स को बहुत आश्चर्य हुआ? फर्स्ट एम हैमिल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सेकेंड, द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सॉलम। Thirdly, the village people were sitting quietly like school children on the back benches that usually remain empty. ऐसे 3 चीजें थी जिससे कि फ्रेंड्स को आश्चर्य हुआ। पहला तो हैमिल की पोशाक
और दूसरी कि पूरा स्कूल बिल्कुल अजनबी शांत था, और तीसरा गांव के लोग उस दिन बच्चों की तरह क्लास में बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, हाउ डिड दे लुक, उस दिन गांव के लोग क्यों स्कूल आए थे और वो कैसे दिख रहे थे? एंड द आंसर इज विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक मिस्टर एम हैमिल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द country that was theirs no more. They were sorry that they had not gone to school more. They were sitting quietly and looked sad. गांव के लोग इसलिए आए थे कि वो एम हैमिल को थैंक्स बोलना चाहते थे उनकी 40 साल की सर्विस के लिए, और वो अपने देश का सम्मान भी करना चाहते थे जो अब वो उनका नहीं था, और उनको इस बात का दुख भी था कि वो स्कूल पहले क्यों नहीं गए। So students, here we end our lesson, the last lesson. इसके आप इस lesson को अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर based जो questions हैं उनको आप अपनी notebook में लिखेंगे बहुत सुंदर handwriting में. Thank you very much.